हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग के द्वारा कांवड़ लाने वाले भक्तों और यात्रियों को हरिद्वार तक पहुंचाने के लिए दो बस चलाई गई है। कोरोना के बाद बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। सावन के महीने में कांवड़ लेने के लिए फरीदाबाद क्षेत्र से भी भारी संख्या में भक्त हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। हर साल सावन के महीने में रोडवेज विभाग के द्वारा कांवड़ लाने के लिए जाने वाले भक्तों के लिए बस सेवा चलाई जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस बस सेवा को बंद कर दिया गया था। बंद की गई इस सेवा को सावन महीने के पहले दिन शुरू किया गया है। अभी दो बस चलाई गई हैं जो हरिद्वार तक भक्तों को लाने व लेकर जाने का काम कर रही हैं। फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग के GM लेखराज ने बताया कि अभी उनके पास से सुबह के समय दो बसें हरिद्वार के लिए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगी हुई थी जो पूरी तरह से हट चुकी है, ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ हरिद्वार ऋषिकेश के लिए जा रही है। हमने हरिद्वार के लिए दो बसें हमारे डिपो की जाती हैं, इसके अतिरिक्त एक पलवल की भी जाती है और यूपी वालों की भी जा रही है। पब्लिक की सुविधा के लिए हरिद्वार यात्रियों को भेजने के लिए हमने सफिशेंट बस सर्विस लगा ली है। हमारी केवल जो डिपो की बात की जाए वो दो बसें जाती हैं और एक शाम को स्पेशल बस भेजते हैं। रश हरिद्वार का है और रश के मुताबिक हम अपनी बस भेज देते हैं। हाँ, इस समय रश ज़्यादा आने की उम्मीद है और हमने उसके अनुसार जो है सुविधा को ध्यान में रखते बस सर्विस लगाई है। वहीं हरियाणा रोडवेज से हरिद्वार जा रहे कांवड़ लेने के लिए भक्तों ने बताया कि उनको बेहद अच्छा लग रहा है कि बिना किसी पाबंदी के इस बार वह कांवड़ लेने जा रहे हैं। साथ ही रोडवेज विभाग की तरफ से भी उनके लिए बस सेवा चलाई गई है। सतीश बोला, रस बढ़िया है, अभी एक आध कांवड़िया दिख गया चलते चलते और आगे तक पूरी भरमा रह जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश 17-18 तक बिल्कुल भीड़ फुल हो जाएगी। वापस यहाँ से एक दो दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। फिर वो की इच्छा रही तो वहीं से लौटेंगे, फिर एक आध दिन वहाँ रुकेंगे, वहाँ से फिर जल उठा लेंगे। दो साल से रोक तो लगाई है, मगर अब खुशी बहुत ज़्यादा है कि सरकार ने भी पूरी इजाज़त दी है। मेरा नाम सोनू है जी। ये सावन का महीना है, इसमें बहुत कांवड़िए जाते हैं, अपनी श्रद्धालु है और ये भोले बाबा के लिए जल लेके आते हैं। मैं हमारी जी 17 या 18 को हुई, मैं जी बल्लमगढ़ से हूँ, ऊँचे गांव से। हमें जी कम 15-1 जने, ये जी बहुत खुशी अंदर से, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं।